Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. Students, I hope you all are good at your home. We are learning chapter number 7, fractions. Okay, in previous video we had done question number 1 to 4 of exercise 7.3. उसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे करते हैं वो सीखा था और 1 टू 4 क्वेश्चन सीखे थे एक्सरसाइज 7.3 के. इन दिस सेशन वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.3. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. 1 टू 4 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. 1 टू 5 में आते हैं. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 अपॉन 48 विद न्यूमरेटर 9. अब मैं आपको एक जो चीज समझाने जा रही हूँ वो बेसिकली फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म पे बेस्ड है. ठीक है, वो टॉपिक भी इसमें हम कवर करेंगे. अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख रहे हैं ना. अब जो क्वेश्चन ये गिवन है न्यूमरेटर को 9 बनाना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी यही प्रोसीजर यूज होता है. तो इसे देखें और ध्यान से सीखिए. 36/48 मुझे न्यूमरेटर क्या बनाना है, 9. तो मैं क्या करती हूँ, 36/48 को इक्वल करके न्यूमरेटर बनाना है 9. ये मेरे पास ब्लैंक स्पेस. अब मैं न्यूमरेटर 9 कैसे बनाऊंगी, है ना. अगर मुझे 36 को 9 बनाना है, इट मींस मुझे उसको रिड्यूस करना है, यानी डिवाइड करना है. अब मैं डिवाइड करूंगी, किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि आंसर 9 आ जाए. तो मैं सबसे पहले ये चेक करती हूँ कि मैं 9 से डिवाइड करती हूँ 36 को. 9 4 36, यानी मुझे 36 को किससे डिवाइड करना है, 4 से. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये चीज सीखी थी कि कोई भी नंबर को, फ्रैक्शन नंबर को न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करें तो भी सेम नंबर से करेंगे और डिवाइड करेंगे तो भी सेम नंबर से करेंगे. तो जब मैं ऊपर के नंबर का मेरा निकल कर आया कि मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो सेम एज मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से ही डेनोमिनेटर को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. क्लियर हुई ये चीज. ये इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म है स्टूडेंट्स, जो इस एक्सरसाइज में इस बेस पे क्वेश्चन है. तो हमें 36 को 9 बनाना है, इट मींस डेफिनेटली मल्टीप्लाई करूंगी 36 को किसी भी नंबर से, तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा ना. मुझे बनाना स्मॉलर है और बनाना क्या है 9, तो 9 से मैंने पहले 36 को डिवाइड किया, आंसर आया 4. 4 जब मैं न्यूमरेटर को डिवाइड कर रही हूँ 4 से, तो डेफिनेटली किससे करूंगी, डेनोमिनेटर से भी करूंगी. तो 48 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 4 1 4 और 4 2 8, तो मेरा आंसर यहाँ क्या आएगा, 12. तो जब मुझे न्यूमरेटर 9 बनाना है तो मेरा डेनोमिनेटर क्या बनेगा, 12. तो इसी तरीके से आप बी पार्ट कर सकते हैं. कंपलसरी नहीं है कि आपको न्यूमरेटर का ही क्वेश्चन दिया हो सकता है डेनोमिनेटर दे दिया हो. तो आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर जो ये गिवन नंबर है जितना हमें बनाना है उससे हम डिवाइड करके चेक करेंगे. ठीक है, और अगर नंबर ये बड़ा है तो, और अगर नंबर छोटा है तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो 6 आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर जो 7 है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म. अभी जो मैं आपको इतनी देर से ये समझाया था ना मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखो एक तरीके से हमने रिड्यूस ही किया है, मींस शॉर्ट फॉर्म किया. 36/48 में इसमें 9/12 आंसर आ रहा है, तो ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म. अब हमें इसको भी क्या करना है, 48 और 60 को. अब इसने कोई कंडीशन नहीं दी कि न्यूमरेटर ये होना चाहिए, न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, न्यूमरेटर 8 होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं. अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे 48/60, हमें फॉलोइंग फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है. रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हमें ना सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है इनका एचसीएफ निकालते हैं. एचसीएफ निकालेंगे तो वो एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिससे ये उस नंबर से, ये दोनों ही नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिविजिबल. तो एचसीएफ हमने प्रीवियस चैप्टर में भी निकाला था, चैप्टर नंबर 3 में. एचसीएफ निकालने के लिए हम डिविजन के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. इसका 2 से डिवाइड किया 24, अगेन 2 से 12, 2 से 6. तो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आए 48 के, 2 × 2 × 2 × 2 × 3. अब एक बार चेक करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48. ठीक है, ये हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट जो नंबर हम लेते हैं वो नंबर लेते हैं 60. इसको मैं यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ. नेक्स्ट नंबर लिया हमने 60,
इवन नंबर है, टू से डिवाइड करेंगे, टू थ्री जा सिक्स, जीरो एज इट इज, फिर टू से डिवाइड किया 15। अब ये जो नंबर है हमारा ऑड नंबर है, देखते हैं थ्री से जाएगा, थ्री फाइव जा 15 और ये 5। हमारे पास जो 60 के क्या आया प्राइम फैक्टर्स जो आए, इनको प्रोडक्ट में लिखते हैं, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, ठीक है। 48 और 60 के हमने प्राइम फैक्टर्स ले लिए। अब हम इसका एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं और उनकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई। टू कॉमन है, वन टाइम नोट किया, फिर हमें टू कॉमन मिल रहा है, सेकेंड टाइम नोट किया, थ्री इसमें भी है, इसमें वन टाइम हमें मिल चुका है, थ्री यहाँ नोट किया, यहाँ फाइव है, इसमें यहाँ फाइव अवेलेबल नहीं है। ये जो टू टू टाइम्स दे रखे हैं वो इसमें नहीं है, तो हम इन्हें नहीं लेंगे। अब हम इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, यानी जो मेरे पास नंबर आया वो है 12। एचसीएफ क्या है 12। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो 48 को किन से डिवाइड करना है हमें, 12 से। सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बनाना है हमने, रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हमें करना क्या है, सेम ही नंबर से डिवाइड करना है। तो 48 को मैंने 12 से डिवाइड किया, 60 को मैंने 12 से डिवाइड किया, 48 को किया तो आएगा 4, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। ये इसकी क्या हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। और जो प्रीवियस वीडियो में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखे थे, सुनो, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं कि 4 अपॉन 5 का क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 12 टाइम्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 48 और 60, क्लियर। तो 48 अपॉन 60 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है प्लस सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये इससे स्मॉल नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 5 किसी और सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है। जब तक हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए ऐसे दो नंबर्स मिल जाने चाहिए जो किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। सेम ईयर 150 अपॉन 60। अब एचसीएफ निकालने के दो मेथड है, एक सॉरी क्या था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के दो मेथड, एक तो एचसीएफ के तरीके से निकालेंगे, एक जो सबसे इजीएस्ट मेथड है हम जो यूज करते हैं वो है कटिंग मेथड, ठीक है। तो बी पार्ट आपको मैं कटिंग मेथड से सिखाऊंगी। 150 अपॉन में 60, ये जो नंबर है ये दोनों ही नंबर अगर हम देखें सबसे पहले तो 10 के टेबल में आ गए, तो हम कट कर देते हैं जीरो और इस जीरो को कट करते हैं, 10 के टेबल में आ रहे, इट मींस 10 से डिवाइड करूंगी तो 15 आएगा और इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो 6 आएगा। तो इस तरीके से हम जीरो को जीरो से कट कर देंगे, अब हमारा आंसर आएगा 15 अपॉन में 6। अब हमें एक ऐसी टेबल फाइंड आउट करनी है जो ये दोनों ही नंबर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स उस टेबल में आने चाहिए, ठीक है। तो वो एक टेबल कौन सी है हमें पता है, वो है टेबल 3। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे, तो हम यहाँ काट कर क्या लिख देंगे इसको 2। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आएगा, 5 टाइम्स पे, तो हमने यहाँ काट के क्या लिख दिया 5। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, टेबल क्या होनी चाहिए सेम, और 6 आ रहा है 2 टाइम्स पे तो कट करके 2 लिखा, 15 आ रहा है 5 टाइम्स पे तो कट करके 5 लिखा। अब मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर क्या आया, 5 अपॉन 2, ठीक है। ये इसके अलावा 5 अपॉन 2 ऐसी दोनों ही नंबर किसी और सेम टेबल में नहीं जा रहे, तो ये मेरी उसकी क्या हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब एक तरीके से देखा जाए तो 150 अपॉन 60 किसका इक्विवेलेंट है, 5 अपॉन 2 का। अब आपको एक चीज बता रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप आया था ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज सीखी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। फिर 150 अपॉन 60 को कट करके किया था तो 15 अपॉन 6 आया था, ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट हो गया। फिर सेकंड इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, 5 अपॉन 2। तो ये दोनों ही चीजें क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। तो इसके इस टॉपिक के बेस पे जो आज हमने सीखा है तो उनके बेस पे आप ए और बी पार्ट या उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इजीली कर पाएंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 7 के। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमान हैड 80 पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल्स थी, 20, शीलू के पास 50,
और जमाल के पास 80 पेंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। 4 मंथ्स के बाद रमेश ने कितनी पेंसिल्स यूज कर ली? 10 पेंसिल्स। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स। शीलू ने कितने यूज करी? 25 पेंसिल्स। एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। जमाल ने कितनी यूज करी? 40। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? अब हमें फ्रैक्शन बताना है किनका, कि उन्होंने कितनी पेंसिल्स यूज की सभी ने, ठीक है। चेक इज ईच यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स। अब हमें ये चेक करना है कि जो इन्होंने पेंसिल्स यूज की है उनका क्या फ्रैक्शन सेम है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं। कौन कौन है हमारे पास? एक है रमेश, दूसरा कौन है हमारे पास? शीलू, और थर्ड वन कौन है हमारे पास? जमाल, ठीक है। अब ये हम लोगों ने क्या किया, तीनों को सेपरेट करके लिख लिया। अब रमेश के पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी? टोटल पेंसिल्स, रमेश के पास टोटल पेंसिल थी 20, ठीक है। अब यूज जब कितनी यूज हो गई इसकी? 10, ओके। टोटल पेंसिल 20, यूज जब 10। अब शीलू के पास, इसी लाइन में हम चलते हैं, टोटल पेंसिल्स कितनी थी? 50। उसने कितनी यूज करी? उसने यूज करी थी 25, ओके। नेक्स्ट जमाल, जमाल के पास थी 80 पेंसिल्स, कितनी यूज की उसने? 40। ये चीज क्लियर हो गई, टोटल पेंसिल थी इसके पास रमेश पास 20, शीलू पास 50, जमाल के पास 80। अब कितनी यूज हुई? रमेश ने की 10, शीलू ने की 25 और जमाल ने की 40। अब हम इनका फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन, यूज पेंसिल्स का फ्रैक्शन निकालते हैं। थी कितनी? 20। जितनी होती है वो हमेशा, जितना भी टोटल नंबर होता है वो हमेशा डेनोमिनेटर में जाता है। कितनी यूज की इसने? करी 10। इसका क्या फ्रैक्शन है? टोटल कितनी थी इसके पास? 50, यूज करी 25। इसके पास टोटल थी 80, यूज करी 40। अब आपको इसको रिड्यूस करके देखना है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी समझाया। तो क्यों ना हम कटिंग मेथड भी तो अप्लाई कर सकते हैं, वो इजी होता है। 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया 1/2। 25 और 50 किसकी टेबल में आता है? वो तो बहुत सिंपल है, 25 वन टाइम में आता है 25 की टेबल में, 50 25 की टेबल में टू टाइम्स आता है, तो कट कर दिया। इसका भी आंसर क्या आया मेरा? 1/2। 40 वनजा 0 से हमने क्या किया? 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये बचा हमारे पास 4/8। 4/8 कौन सी सेम टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में। ये आता है वन टाइम, ये आता है 2 टाइम, ओके। तो इसका भी फ्रैक्शन क्या आया हमारा? 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, चेक इज ईच यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन। तो उसने ये पूछा क्या तीनों ने ही इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है? तो हम आंसर लिखेंगे यस। यस तीनों का ही क्या है? इक्वल फ्रैक्शन है, यानी तीनों ने ही सेम नंबर में यूज करी है पेंसिल, और तीनों का ही क्या आ रहा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है। तो हम लिखेंगे यस दे यूज इक्वल पेंसिल फ्रैक्शन, यूज्ड पेंसिल फ्रैक्शन, जो यूज पेंसिल्स का है दे यूज इक्वल पेंसिल फ्रैक्शंस, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज पूछी गई थी? हमें ये पूछा गया था कि इनके पास इतनी पेंसिल्स है, इतनी पेंसिल्स इन्होंने यूज कर ली, तो यूज पेंसिल्स का क्या निकालना था? हमने फ्रैक्शन निकालना था, और हमने फ्रैक्शन जब निकाला तो चेक किया कि तीनों का ही फ्रैक्शन क्या आ रहा है? सेम। तो फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन का आंसर था वो हमने ये दिया कि तीनों ही का ही फ्रैक्शन क्या आ रहा है? सेम। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। अब मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है, और ये जो मैंने ए बी सी डी ई ये लिए, इनमें से इसका आंसर मैच करना है, तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। मैं आपको
फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके बता रही हूँ और जो उनमें से आंसर है वो मैच करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, इनमें से एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनमें से चूज करना है जो मैच हो जाएगा हमारा आंसर, और उसके अलावा दो और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हर पार्ट के फाइंड आउट करने। तो देखो सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट है 250 / 400, ठीक है। अब बड़ी डिजिट है, कटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो हमने जीरो से जीरो को कैंसिल किया। जब फर्स्ट टाइम मैंने जीरो से जीरो को कैंसिल किया तो मेरा फर्स्ट क्या बना, 25/40। अब हमारे पास क्या ये सेम टेबल में आने वाला नंबर है, दोनों ही नंबर्स क्या किसी सेम टेबल में आ रहे हैं, वो है टेबल हमारी 5। चलिए 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स पे आता है, 5 टाइम्स पे, तो इसको कट करके हमने क्या लिखा 5, ओके। 40 कितने टाइम्स पे आता है, 8 टाइम्स पे, तो 5 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हुआ, तो 8 टाइम्स पे हमने इसको काट के क्या लिख दिया 8। दोनों ही टेबल किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया 5/8। इसके अलावा हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों ही नंबर्स किसी और सेम टेबल में नहीं आते। अब आपको मैच करना था 250/400 का मैच कौन सा पार्ट हुआ, यानी फर्स्ट का किस पार्ट से हम मैच कर पा रहे हैं, डी पार्ट से, तो फर्स्ट का मैचअप पार्ट आएगा डी, क्लियर। अब हमें टू मोर और लिखने हैं, तो देखो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रही थी तो एक तो मेरे पास क्या आ गया 25/40, या और कुछ तरीके से अगर हम इसको करना चाहें 250/400 और एक्स्ट्रा लिखने, क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 250 × 400 × 2, दूसरा नंबर निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 250 × 3, 400 × 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 250 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 400 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 800, 3 से करेंगे 250 की मल्टीप्लाई, 25 × 3 = 75, तो 750, 400 से करेंगे तो 1200। तो ये इसके और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल गए, और जो हमें मैच करना था वो हमारा कौन सा पार्ट आया, टी। तो इसी तरीके से आप इसके जो बाकी के 4 पार्ट्स है, 4 और 5 पार्ट्स, वो आप कर पाएंगे, क्लियर। आई होप आज जो हमने सीखा था एक्सरसाइज 3.7 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप इनके बेस पे इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू विद अ न्यू टॉपिक, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड देयर कंपैरिजंस। ओके, थैंक यू।